मैच खत्म करते हुए धोनी वाला फिनिश कर रहा है। क्या बात है यार, गोल। किस विकेट कीपर की याद आई आपको स्टंपिंग देख के? कैसा कीपर टीम इंडिया में? एक्सीलेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है भाइयों संडे का दिन और आज हमारा होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच। आज हमारा मैच होने वाला है भाई सेकंड स्लॉट में, जो कि है 11:30 बजे का मैच है और 10:30 टाइम अभी हो रहा है। हमने गोप्रो सुबह उठ के चार्ज कर लिया है, इसका डाटा वाटा खाली कर लिया है। यार आज मैं ये ब्लू ब्लू नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये आपके गर्मियों में ज्यादा काम आता है, कवर की तरह रहता है ये, वरना गोप्रो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये ब्लू वाला कवर लगाता हूँ। जिसको भी लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक विंक मिल जाएगा, खरीद सकते हो आप। 200-250 पता नहीं कितने रुपए का, 300 रुपए का आया था शायद। इसको पैक वैक करते हैं। ड्रेस व्रेस हमारी ये रही। और ये जर्सी कैसी लगी भाई आप सभी को जरूर बताना। Sangwan 27। मेरे को इसका ये जो नंबर लिख रखा है ना, ये बहुत बढ़िया लगा। आज भाई मैं फर्स्ट टाइम रजोकरी जा रहा हूँ मैच खेलने, एम्बियंस के थोड़ा सा आगे जाके है और यहाँ से भाई मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास लगने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं, अगर अभी 5 मिनट में निकल गया तो 1 घंटा टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा। फटाफट से जाता हूँ, चेंज करता हूँ। ओके, लो भाई तुम्हारा भाई रेडी। देख रहे हो क्या मैजिक आज करने लगा है यार। और इसकी जगह यार कोई कलर्ड मैं लेने की सोच रहा हूँ, कलर्ड स्वेटर ज्यादा बढ़िया लगेगी, ब्लैक कलर की या फिर डार्क ब्लू कलर की। बहुत सारी चीजें मुझे बाय करनी है अभी। एक तो विकेट कीपिंग ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स, थाई पैड, क्योंकि वो उसके स्ट्रैप्स यार फटते जा रहे हैं एसजी वाले के। शायद इस बार मून वॉकर के मैं थाई पैड्स लूं। बाकी आप सभी लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि कौन से बैटिंग ग्लव्स लेने चाहिए, कौन से विकेट कीपिंग ग्लव्स और कौन से थाई पैड। मम्मी बच चुकी है। मम्मी का यहाँ पे काम होते हुए वहां पे पापा। भाई कौन सा कप चाय मम्मी? तीसरा। अभी टाइम देख लो, 11 बज गए और 9 बजे तो उठे हैं। 9 बजे उठ के तीसरा कप चाय। तो अभी हम चलते हैं, सीधा निकलते हैं ग्राउंड के लिए। आपको सीधा मिलेंगे ग्राउंड में जाकर। पिछले 20 मिनट से यहीं पे खड़ा हूँ। गाड़ियां आए तो जा रही है, हमारी नहीं चल रही है लाइन। ये रजोकरी का रोड है, अब पता नहीं कब तक पहुंचूंगा। और हमारा भाई टॉस हो चुका है और हमारी आ गई है फील्डिंग। तो विकेट कीपर तो यहाँ है, तो फील्डिंग भी कैसे करेगी हमारी टीम। ओ चली चली चली, चलो भाई चलते हैं। A few moments later. पहला ओवर हो चुका है और कुछ 21 रन है। हम भाई लेट हो गए जाम के चक्कर में। भैया और भी लेट हो गए। वन 21 यार, ये तो बहुत छोटा है। हाँ 6 भाई, ये तो बहुत ही छोटा है। अरे तो 38 लग रहा है। फर्स्ट विकेट आ चुकी है रन आउट के रूप में। बहुत तगड़ी फील्डिंग, वहां का आपके पास एंगल आया नहीं होगा। कैच! भाई इससे सिंपल कैच नहीं हो सकते थे। चलो भाई चलो, पहले पे निकाल देना इसको सामने वाली पे। बहुत अच्छी अंदर आ रही है भाई आपकी, खिलाना शाबाश सामने वाली। अच्छा
भाई इस ग्राउंड में तो मेरे को लग रहा है 250 रन बनेंगे, ग्राउंड के हिसाब से 250-300 बन सकते हैं। ऐसा लग रहा है 38 बाउंड्री है भाई, ये तो सबसे शॉर्टेस्ट ग्राउंड होगा जो मैंने खेला। 1 2 3 हरे महादेव। बाउंड्री तक पका आई नहीं पर कैच। चौका छ कैच कैसी लगी? 50 होते ही भाई आउट हो गया, यहाँ से रन रोकने पड़ेंगे हमें, यहाँ से लग रहा है 200 है, बट 200 से पहले 180 रहेगा तो बहुत अच्छा हमारी टीम के लिए। मार रहा बैटिंग। एक इनिंग हो चुकी है खत्म भाई, एक टाइम को तो ऐसा लग रहा है 250-300 रन बनेंगे, बट हमारी टीम की लास्ट 10 ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और हमने 179 या 180 रन पे कुछ रोक दिया है और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हमारे बॉलर्स के द्वारा और एक कैच करके मजे आ गए भाई, उस शार्प कैच थी, मजे आ गए। बाकी अब देखते हैं 180 रन क्या हमारी टीम बना लेगी। Yes. A few moments later. आपके भाई ने कर लिए हैं पैड, ये रहे और 180 रन का टारगेट है इस ग्राउंड के हिसाब से तो बन जाने चाहिए। बाकी हमारे बैट्समैन जाते हुए वो रहे सामने खड़ी हो गई है गेंद और बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं आता अभी तक। 4 रन, ये गेंद फंस गई कंधों में। बेहतर स्ट्रोक था, दौड़ नहीं पा रहे हैं फील्ड पे, ये एक थोड़ी चिंता की बात है, दौड़ पाना उनका मुश्किल हो रहा है। इतना चोट में खेल पाना पॉसिबल हो नहीं रहा था, अपना 100% दे नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छा खेल है, जबरदस्त बैटिंग करी है, माता शो किया है आज, गगन सांगवान, इनका यूट्यूब पे चैनल है क्रिकेट कार्डियो करके। मैं दूसरी टीम से कहना चाहूंगा कि आज ही जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो भाइयों 2 विकेट हो चुके हैं, सेकंड विकेट हुई नहीं है बट रिटायर्ड हो गए, खेल नहीं पा रहे थे, क्रैम्प आ गया था एंड अब 7 ओवर में 72 रन चाहिए। दो देख मैं भागूंगा। तेज स्ट्रोक सामने, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। शॉट है, तेज शॉट, बहुत तेज शॉट, एक्सेलेंट शॉट, 7 आ गए।
शॉट ये भव्य का शानदार सी 13 आ गया 4 हो गया ठीक है 13 आ गया अब 59 चाहिए 6 में ठीक है ना इवेंट 710 और ये शानदार ड्राइव लेट्स है और एक और शानदार शॉट भव्य की ओ शॉट यार शानदार शॉट आगे बम्प है कैरी है होगी प्रॉपर कैरी हुआ है यहाँ से बम्प दिखी चल रहा है हाँ भैया हेलो भागो अरे अंपायर ने ओवर थोड़ी बोला यार ये शानदार शॉट चैलेंजिंग देखो भाई मत मारो थ्रो यार कोई क्या मारा है थोड़ी सी नीचे लगी छक्के से भारी लग रहा बहुत भार था यार और ये शानदार छक्के के साथ मैच खत्म करते हुए गगन टीम शूटर्स लवली शॉट बॉय बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और ये शानदार छक्के के साथ मैच खत्म करते हुए गगन गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग फुटबॉलिंग हाय गगन भाई बैटिंग है भाई थोड़ा बैटिंग है भाई बैटिंग थोड़ा लेट आई लेकिन यार बैटिंग है गुड यार लेट यार टीम नाइस शॉट हां धोनी वाला छक्का लगा क्या नाम है आपका गर और आपका कनिष्का भाई सारे ब्लॉग देखते हो सारे क्या मजा क्या आता है ब्लॉग में कीपिंग में मजा आते हैं बैटिंग में या फिर वैसे ही पूरा ब्लॉग पसंद है पूरा ब्लॉग ही आपका मस्त वैसे बढ़िया को क्या चीज लगती है मेरी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है कीपिंग बैटिंग चलो यार शुक्रिया शुक्रिया भाई कीपिंग बहुत खतरनाक है कीपर ये फिनिश कैसा था आज ये बताओ एक नंबर धोनी वाला फिनिश कर रहा है शानदार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कीपिंग शानदार है भाई 21 रन कैसे गए जब ही तो गए तो था ही नहीं यार आपका कैच भी बहुत बढ़िया था वो वाला थैंक यू भैया थैंक यू Much, much, much later. तो भाई जो अभी तक आप सभी ने मैच देखा वो तो भाई थोड़ा सा छोटा मैच ही था क्योंकि बैटिंग आपके भाई की ज्यादा आई नहीं थी और छक्का मार के आपके भाई ने मैच जिता दिया आज हम एक और मैच लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए तो ये दोनों मैचेस मैं कंबाइन करके एक ही ब्लॉग बना रहा हूँ विकेट दिखा देता हूँ और हमारे भाई साहब खड़े हैं आज ये करने वाले हैं ओपनिंग चलो विकेट दिखाता हूँ सबसे पहले ये रही विकेट और भाई पहले इनिंग में पता है क्या स्कोर बनाया यहाँ पे अराउंड 240 कुछ था भाई 245 मार दिए बहुत ज्यादा है भाई और ये ग्राउंड दिखा देता हूँ ये रहा ग्राउंड और पता है ग्राउंड का नाम क्या है लॉर्ड्स है भाई लॉर्ड्स में खेलना है जाओ भाई पैड वैड करो आप बिल्कुल बिल्कुल ऑल द बेस्ट कितने मारेगा इतनी तेज ये नहीं जानिए लेकिन मुकेश भाई ना मारे ये है कि टप्पे पे मारते बोलते बैटिंग मुकेश क्या नहीं थी और आज की गई गगन की ठीक है कॉल करके चलना सही आपकी है ना ठीक है बढ़िया गुड शॉट
मेडल और दे दो एक बार, थैंक यू। आजा आजा गुड कॉल गुड कॉल। दो देख बैट लाइयो। कंबल पे देखिएगा एक ही है। भाग 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 भाग। वेल बॉलिंग है अंदर, वेल बॉलिंग है। चलो सिंपल आ रही है। चलिए हाँ, ये दो विकेट्स गिर गई हैं जल्दी, दोनों ओपनर जा चुके हैं वापस। बॉल यार, एक्सलेंट बॉल। अभी चल रहा है? ऑन है। अगली विकेट भाई की। हाँ भाई। या या। Yes, man! चल भाई की चाहिए दूसरी विकेट, चल सिंगल दो भाई है पहले, दूसरी बॉल पे आउट है भाई। लास्ट बॉल है, खेल लो ठीक है। या टू 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 टू, योर कॉल आ जाएगा। भागो Yes! नहीं एक ही है। अच्छा मेरी कॉल रखी है। हाँ हाँ, और आप जैसा खेलते हो वैसे खेलो, थोड़ी लो है। हो गया भैया यार, बहुत बीच में है भैया, यहाँ से खेलना भी है रन भी बनाने, सबसे मुश्किल स्टेज होती है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। भागो भागो शॉट करो, ये टूट गया यहाँ से चेंज कर लिया तो कटिंग लगवा ली उस पर। एक और खेल के देखता हूँ, अच्छी कनेक्ट होती है तो। बहुत तेज है तो, अरे वसीम बहुत तेज गई थी। नीचे लग गया, चेंज ही कर लेता। पारे पारे टेंशन मत ले। जोड़ यार, जोड़ यार, जोड़ यार, जोड़ यार, जोड़ यार, जोड़ यार।
तो भाई वो एक इनिंग होगी है खत्म यार, आउट हो गया यार, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच आउट हो गया, कनेक्ट नहीं हुई बैट के नीचे लग गई, और कुछ 20-24 बॉल में मैंने 30 रन मारे, एक चौका एक छक्का, छक्का बहुत लंबा था भाई। तो अब दूसरी टीम को चाहिए 160 कुछ रन चाहिए, 165 कुछ। चलो चलो मुक्की भैया वही लाइन पकड़ के चलो, शाबाश। एक दो तीन हर हर महादेव। शॉट, कोई नहीं थोड़ी बाहर फेंकते ना, यही स्टंप था ये, एक बीट कराना बस मैं बताता हूँ। चलो शाबाश, कैप्टन का है, कैप्टन कैप्टन मिल गया मिल गया, एक दो तीन हर हर महादेव। किस विकेट कीपर की याद आई आपको स्टंपिंग देख के? ओह दूसरे हाथ में नहीं जाना था। फील्ड कोई नहीं बॉयज टीम इसमें तो वाली फील आ रही है। भागना कोई नहीं यार, अच्छी बॉल है, स्टंप बच गया यार, अच्छी कनेक्ट कर दी, इनसाइड आउट शॉट भाई, बिल्कुल स्टीव स्मिथ वाली फील दे रहा है यार, वो पैर भी बिल्कुल ऐसे पास में, ठीक है, और वो भी ऐसे भी। इधर से आगे थोड़ी अंदर जा रही है, घूम तो रही नहीं है। ग्रेट कैच भाई, वो कैच पकड़ के मजा सा ही आ गया भाई, बहुत शार्प कैच थी, बहुत तेज, मजे आ गए, ग्लव्स देखो घिस चुके हैं तो भी कैचेस आ रही हैं बढ़िया। भाई पहला मैच आसानी से जीत गए थे, ये वाला भी आसानी से जीत जाएंगे, 35 रन पे 4 विकेट से हमने भाई 170 कुछ मार दिए। कैच, बोल भैया, बॉलिंग, वेल प्लेड, वेल प्लेड भैया।
फाइनली हो चुका है मैच खत्म। पहला मैच हम जीत गए थे भाई 8 विकेट से, आपके भाई का विनिंग सिक्स था। आज भाई एक ही छक्का लगा पाए सेकंड मैच में, जो सेकंड मैच था, और सेकंड मैच हम जीत गए हैं 32 रन से। स्टंपिंग करके मेरे को मजा आया, कैच पकड़ के मजा आया, दोनों बहुत ही फास्ट थी मेरे लिए तो। स्टंपिंग बहुत सही थी, स्टंपिंग में भाई एक नंबर मजे थे, क्योंकि फास्ट बॉलर डाल रहे थे और पकड़ के बस लगा दी, और बैट्समैन बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम था बैट्समैन के पास वापस आने का, वो आ नहीं पाया। मजे आगे, ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन, दोनों मैच जीत गए। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए एज ऑलवेज। तक जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। बेस्ट फीलर ऑफ द मैच गोज टू गगन सांगवान।